31 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी, जिसके बाद 20वीं सदी के सबसे महान शख्सियतों में से एक गांधी जी का निधन हो गया। यहाँ एक सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली क्यों मारी? गांधी की मौत का 55 करोड़ रुपए का कनेक्शन क्या है? चलिए आपको बताते हैं। 13 जनवरी 1948 यानी मौत से 17 दिन पहले महात्मा गांधी करीब 12 बजे दो मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी की पहली मांग थी भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे, जबकि दूसरी मांग थी दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमले रुके। गांधी जी की भूख हड़ताल के आगे तत्कालीन नेहरू सरकार झुक गई और 15 जनवरी को ऐलान किया कि भारत सरकार पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए देगी। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि इसी ऐलान के बाद उग्रपंथी हिंदू गांधी से बेहद नाराज हो गए, खासतौर पर हिंदू महासभा। कुल मिलाकर गांधी जी उग्र हिंदुओं की नजर में विलेन बन चुके थे। वहीं सरदार पटेल भी गांधी से सहमत नहीं थे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी पाकिस्तान को पैसे देने के खिलाफ थे। वहीं इस बारे में गांधी जी के पोते तुषार गांधी का कहना है कि कैबिनेट का फैसला था कि जब तक दोनों देशों के बीच विभाजन का मसला सुलझ नहीं जाता है, तब तक भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देगा। जबकि विभाजन के बाद दोनों देशों में संधि हुई थी कि भारत पाकिस्तान को बिना शर्त 75 करोड़ रुपए देगा। इसमें से भारत पहले ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दे चुका था और 55 करोड़ बकाया था। पाकिस्तान ने पैसे मांगना शुरू कर दिया और भारत भी वादा खिलाफी नहीं कर सकता था। बापू ने कहा कि जो वादा किया है उससे मुकरा नहीं जा सकता है, अगर ऐसा होता है तो द्विपक्षीय संधि का उल्लंघन होता है। हालांकि तुषार गांधी का कहना है कि बापू की भूख हड़ताल का मुख्य मकसद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाना नहीं बल्कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकना था। एक तरफ महात्मा गांधी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर अड़े थे तो दूसरी तरफ तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल इसके खिलाफ थे। कपूर कमीशन की जांच में खुद सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने बताया था कि मुझे याद है कि मेरे पिता पाकिस्तान को 55 करोड़ देने को लेकर गांधी जी से असहमत थे। मेरे पिता का मानना था कि अगर पाकिस्तान को यह रकम दी जाती है तो लोग इससे नाराज होंगे। मेरे पिता का मानना था कि लोग मानेंगे कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है, जिससे हमारे देशवासियों की भावनाएं आहत होंगी। मेरे पिता ने गांधी जी से यह भी कहा था कि इस भूख हड़ताल को लोग ठीक नहीं मानेंगे और इसे सरकार पर दबाव बनाने के हथियार के तौर पर देखेंगे। हालांकि गांधी जी के पोते तुषार गांधी का इस बारे में कहना है कि नेहरू और पटेल चुनावी राजनीति में आ चुके थे, जबकि बापू अपने सिद्धांतों पर ही चल रहे थे। इतना ही नहीं, बापू को न जनभावना से डर लगता था और न ही मौत से। तुषार गांधी कहते हैं, नेहरू और पटेल 55 करोड़ रुपए देने पर सहमत नहीं थे क्योंकि उनके लिए जनभावना मायने रखती थी, जबकि बापू सही क्या है और गलत क्या है इसी आधार पर फैसला करते थे, क्योंकि उनके लिए मानवता सबसे ऊपर थी। वो वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बापू ने वही करने को कहा जिसका वादा भारत ने किया था। गांधी जी की भूख हड़ताल के बाद जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का ऐलान किया तो हिंदू महासभा की अगुवाई में एक बैठक हुई। इसी बैठक में गांधी जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। गांधी जी को तानाशाह कहा गया और उनकी तुलना हिटलर से की गई। 19 जनवरी को हिंदू महासभा के सचिव आशुतोष लाहिड़ी ने हिंदुओं को संबोधित करते हुए एक पर्चा भी निकाला, जिसमें गांधी जी की खूब आलोचना की गई और इस घटना के ठीक 11 दिन बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।